everyone, this is Monica and welcome back to my channel. So today's topic is best Ajio and Myntra top haul. So without wasting much time, let's get started. The first top is this one, जो मैंने ये पहन रखा है, ये येलो कलर में है. इसकी स्लीव्स पे कुछ ऐसी डिटेलिंग है पफ वाली और यहाँ पर लास्टिक दी गई हुई है ये, और इधर साइड भी, और नेक पे भी ऐसा कुछ है. और ये पूरा होल फ्लोरल प्रिंट है, पूरा आगे पीछे दोनों बैक, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड. बैक इसका कुछ ऐसा है और यहाँ पर आपको एक बटन दिया हुआ है. सो द फर्स्ट वन इज दिस येलो फ्लोरल टॉप. आई थिंक ये मिंत्रा का है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं आता. मैं लिंक और फोटो और प्राइस सब कुछ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ यू वांट टू परचेज दिस वन. सो द सेकेंड वन इज ये वाली टी शर्ट. ये ग्रीन कलर की है और इसकी यहाँ पर स्लीव्स में ऐसी क्या कहते हैं इसे, पेपलम या फ्रिल वाली डिटेलिंग है और ये पूरी लाइनिंग पैटर्न पे है और दैट्स इट. और मतलब ये समर के हिसाब से बहुत ज्यादा ठीक है. इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है. इसको मैं पहनकर दिखाती हूँ. हेयर इट इज. ये जो इसकी ये वाली स्लीव्स पे डिटेलिंग है, ये मुझे बहुत बहुत मतलब मोस्ट फेवरेट पार्ट है मेरा इस टी शर्ट का. और ये हल्की सी मेरे को लूज है और मैं सबके साइजेस भी मेंशन कर दूंगी क्योंकि मेरे को याद नहीं है उसका, शायद स्मॉल था या मीडियम. स्मॉल था आई गेस. अगर मतलब आप मेरे जैसे हो अगर तो आपको स्मॉल ही लेना चाहिए. और ये डिटेलिंग इसकी बहुत ज्यादा प्यारी है. और अगर आप गर्मी में टी शर्ट्स पहनना ही पसंद करते हैं तो आपको इसके लिए जरूर जाना चाहिए. मैं प्राइस, पिक्चर, लिंक सब आपको दे दूंगी. प्राइस और पिक्चर आपको यहीं पे मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट. सो दिस इज द सेकेंड वन. बैक से भी सेम है पूरी. सो द थर्ड वन इज दिस ये वाली टी शर्ट. ये क्रीम कलर की है, ये रोडस्टर की है और क्रीम कलर की है. और इस पे ये इसकी स्लीव्स में डिटेलिंग है जो ये दो कलर दिए गए हैं, डार्क ग्रीन और इसको क्या कहते हैं मस्टर्ड. और यहाँ पर आपको एक पॉकेट मिलेगी और ये भी पूरी इवन है. इवन कलर की नहीं है, हाँ आगे फ्रंट और बैक साइड पूरी क्रीम कलर में है और स्लीव्स इसकी ऐसे हैं. सो मैं आपको इसे ट्राई करके दिखाती हूँ. सो हेयर इट इज. अगर मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते होगे तो आपने मुझे पहने हुए देखा होगा. इसमें यहाँ पे पॉकेट है, इसकी स्लीव्स हैं. अगर आप मेरी तरह हो जो मतलब मोस्टली गर्मियों में समर में टी शर्ट पहनना पसंद करते हो तो आप इन सब चीज, अभी मेरे पास एक दो और हैं, तो आप को इन सारी टी शर्ट्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि इनमें बिल्कुल गर्मी नहीं रखती है. ये बहुत ज्यादा समर एप्रोप्रिएट हैं और मतलब यू शुड डेफिनेटली बाय दिस. फोर्थ वन ये है ये वाली टी शर्ट. ये भी लाइनिंग पैटर्न पे है. अगेन ये थोड़ी स्ट्रेचेबल है और इस ये वाइट क्रीम बेस पे है जिसपे पिंक और ब्लू मोटी मोटी स्ट्रिप्स हैं, थोड़ी सी थिक हैं उस वाली से. उसमें बहुत पतली पतली लाइनिंग थी, इसमें थोड़ी स्ट्रिप है और ये थोड़ी स्ट्रेचेबल है. ये सब स्मॉल में ही है और मैं अभी इसको आपको पहन कर दिखाती हूँ. हेयर इट इज. आप इसको इन करके भी पहन सकते हो, ऐसे भी पहन सकते हो. मैंने इन सबको बेसिकली मैंने बाहर जाने के टाइम भी इन सबको बेसिकली ब्लैक जीन्स के साथ ही पेयर अप किया है. एक ब्लैक बेसिक जीन्स जो सबके पास ऑलमोस्ट होती ही है. और सो आप मतलब बाकी आप इनको शॉर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं, डेनिम स्कर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं और आपको जिसके से साथ भी अच्छा लगे. अदर देन दैट इट्स अ गुड वन. मेरे को तो ये वाली, मेरी तो पर्सनली ये वाली बहुत ज्यादा फेवरेट है और ये भी मैं एक बार पहन चुकी हूँ. और अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते होगे तो आपने देखा होगा और अगर नहीं करते हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर,
गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं यहाँ वहाँ कहीं भी अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगी। तो वन इज ये वाला, इसे टॉप भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ टी शर्ट भी कह सकते हैं। वैसे तो ये टॉप ही है, इसकी हाफ थ्री फोर्थ स्लीव्स हैं, हाफ नहीं कहेंगे वो सॉरी, इसकी थ्री फोर्थ स्लीव्स हैं। ये भी क्रीम कलर में है अगेन, और ये पूरा होल ऐसा ही पैटर्न पे है, और इसमें यहाँ पर हल्की सी, बहुत टाइट नहीं है, लूज सी इलास्टिक दी गई है दोनों स्लीव्स पर, और नीचे पर भी ये ऐसे स्ट्रेचेबल वाला डिजाइन है थोड़ा। और इसमें आप देखोगे पास से तो पूरा ये शिमरी शिमरी टाइप का है, और बहुत हल्का हल्का, बहुत लाइट कलर का, थोड़ा सा पैटर्न टाइप का बना हुआ है। आई मीन टू से कि पूरा सॉलिड कलर का नहीं है, आप इसे पहनोगे तो मतलब जब कोई पास से देखेगा तो एकदम हल्का हल्का ग्लिटरी टाइप का इफेक्ट है। तो मैं इसको आपको पहनकर दिखाती हूँ। इट इज इसकी ये थोड़ी, अगर आप इसे जितना चढ़ाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे अभी थोड़ी पफी स्लीव्स बन गई हैं, और अगर आप इसे ऐसे नीचे कर लेंगे तो ये पूरा थ्री फोर्थ स्लीव्स हो जाएगा। ये पूरा ऐसा ही है, और ये थोड़ी वैसे विंटर वाइब देता है, बट आप इसको गर्मियों में भी आराम से पहन सकते हो। अगर मतलब जैसे कि टैनिंग वगैरह हो जाती है, तो अगर आप थोड़ा कवर अप पहनना पसंद करते हो, सो दिस इज गुड वन। द सिक्स्थ टॉप इज दिस वन, ये पूरा शीयर फैब्रिक पे है, ये पूरा ट्रांजी है, आपको इसके अंदर कुछ लेयरिंग पहननी पड़ेगी, और ये इसमें व्हाइट कॉलर की ये डिटेलिंग है फ्रंट एंड बैक बोथ साइड। ये स्लीवलेस है, और इसपे ये छोटे छोटे अंदर से ये थोड़ी डिजाइन टाइप की है, तो ये अगर जब आप पहनोगे तो ये थोड़ा दूर से ऐसे डॉट डॉट टाइप का है। लेट मी शो यू, ये थोड़ा डॉट डॉट दिख रहा है, और बैक साइड इसमें जिप दी हुई है जिससे आपको इजिली आ जाए, और ये साइज है स्मॉल, और आगे से भी ये थोड़ा सा लाइनिंग वाला पैटर्न है। आपको इसे पहनकर दिखाती हूँ। हेयर इट इज, अब ये पूरा ऑल ब्लैक हो गया है। अगर आप पूरा ब्लैक आउटफिट पहन वियर करना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप इसके साथ ब्लैक पेयर अप कर सकते हैं। अदर देन डैट आप लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, मतलब आई मीन टू से ब्लू के किसी भी शेड, या और भी शॉर्ट्स के साथ, डेनिम स्कर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हैं इसे। सो ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और इसके अंदर मैंने ब्लैक स्पेगेटी वियर करी है, और इसका ये जो बेसिकली कॉलर वाला जो पैटर्न है ये नेक पे, ये बहुत प्यारा लगता है सामने से देखने पे, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। और इसका एक और कलर अवेलेबल है जो इसका जस्ट अपोजिट है, इट मींस कि जहां पर ये ब्लैक है वहां पे वो व्हाइट है, और ये जो डिटेलिंग है उसमें वो ब्लैक है। इट मीन टू से कि ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट है, बस रेसिप्रोकल है, यहाँ पर ये पूरा ब्लैक है, वहां पे वो पूरा व्हाइट है, इसमें यहाँ व्हाइट डिटेलिंग है, उसमें ब्लैक डिटेलिंग है। मैं लिंक दे दूंगी, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। आई मीन टू से कि इसी का कलर है तो आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो माय फेवरेट वन, एंड ये थोड़ा प्रोफेशनल लुक के साथ भी जाता है। सेवेंथ वन ये वाला टॉप, और ये भी मैं एक बार पहन चुकी हूँ, इसकी ये भी स्मॉल में है, इसके साथ आपको ये अंदर लाइनिंग मिलेगी, अंदर से ये स्पेगेटी मिलेगी, और उसके ऊपर से ये शीयर का ही फैब्रिक है ये, और आई मीन टू से कि ये थोड़ा रैप अप वाले स्टाइल में है। आई मीन टू से कि रैप अप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आगे से पूरा कवर होता है, बट हाँ ये थोड़ा कवर अप वाले स्टाइल में, जैसे कि आप कवर अप के लिए कुछ यूज करते हैं तो वैसे है। नीचे से एक मिनट, नीचे से ये जॉइंट है यहाँ पर, ये दोनों जो साइड्स आके, और इसकी जो स्लीव्स हैं, एक सेकेंड, इसकी जो स्लीव्स हैं उस पर ये ऐसी वाली डिटेलिंग है, यहाँ पर एक कट लगा हुआ है और थोड़ी फ्रिल वाली डिटेलिंग है। सो हेयर इट इज, कुछ ऐसा लुक आता है इसका पहनने के बाद, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा समरी वाइब्स देता है कि हाँ मतलब अच्छा है,
गर्मियों के लिए। और इसकी जो ये स्लीव्स पे डिटेलिंग है ऐसे, ये फ्रिल वाली, और यहाँ से ये कट है ऐसे, ओपन है सेम ऐसे इधर है, और ये इसका ऐसे करके वाला डिजाइन है ऐसे क्रिस क्रॉस वाला। और इसके अंदर ये जो लाइनिंग है ये इसके साथ इंक्लूड, इसके साथ ही मिली है। वो ब्लैक वाले के साथ मुझे खुद से लगाना, मतलब खुद से पहनना पड़ा था, मेरी वो खुद की है, बट इसके साथ आपको इस टॉप में ही मिलेगी। तो ये मेरे को बहुत अच्छा पार्ट लगा, क्योंकि जो इस तरीके के शीयर वाले टॉप होते हैं उनके साथ फिर लाइनिंग या तो आपको खरीदनी पड़ती है या फिर वही बार बार ब्लैक से काम चलाना पड़ता है। तो ये अच्छा है कि इसके साथ आपको मिलेगा, और इसके साथ आप नेक पे भी कुछ अच्छा सा स्टाइल कर सकते हो। और जैसा कि ये ब्लैक के साथ बिल्कुल जा रहा है, और ब्लैक के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो, बाकी जो भी आपका मन हो उसके साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो। बैक से भी सिंपल लुक है, शीयर वाला थोड़ा ट्रांजी है। बस इन दो टॉप को छोड़ के एक ये वाला और एक वो ब्लैक वाला जो मैंने इससे पहले दिखाया था, और कोई भी टॉप ट्रांजी और टी शर्ट ट्रांजी नहीं है। आपको किसी के साथ भी कुछ और एक्स्ट्रा वियर करने की जरूरत नहीं है। सो ये मेरे को एक अच्छी बात लगी। सो दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियोज। और मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स डालना शुरू किया है, मतलब डेली का डेली मैं कुछ ना कुछ नया वहां पर जरूर पोस्ट करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपको यहाँ कहीं पे हैंडल दे दूंगी अपना। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, बाय।